तो कैसे हैं आप लोग? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्टार। आज मैं स्कूल टीचर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज का स्कूल टीचर टीचर नहीं, वेंचर ये फर्क टीचर और लीचर होते जा रहे हैं। लड़कियों को देखकर खूब उछलते हैं, खूब मचलते हैं और उन्हें जबरन लिफ्ट देते हैं, और लड़कों को ये प्यार करते ही नहीं है। देख कर बोलते हैं, साले तेरा बैंड बजा दूंगा। 15-16 साल की लड़कियों में उसे सेक्स ही दिखता है। कुछ ऐसे इमोरल टीचर होते हैं जो साले बड़े बेशर्म होते हैं। लड़कियों को मूवी दिखाने ले जाते हैं और उसकी नज़र लड़कियों की बॉडी पर ही होती है। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां मासूम होती है, वे ऐसे टीचर के बस में आ जाती है। दोस्तों, सारे टीचर एक जैसे नहीं होते। मैं सारे टीचर के बारे में यह मेरा कमेंट नहीं है। कुछ ऐसे टीचर हैं जो बड़े अय्याशी टीचर होते हैं, बड़े बेशरम होते हैं, लड़कियों को जबरन अपने हवस का शिकार बना देते हैं और उनका ज़िंदगी ही तबाह कर देते हैं। ऐसे इस तरह की घटना बहुत देखने को मिली है। लेकिन मैं अब ऐसे भी टीचर की चर्चा करने जा रहा हूँ जो बड़े लालची तथा भुखड़ होते हैं। लगता है कि साले के सालों को घर में पेट ही नहीं भरता, बच्चों से ठगते रहते हैं। ये जो इस श्रेणी के जो टीचर हैं, किसी स्मार्ट भिखारी से कम नहीं होते हैं। बच्चों को बोलते हैं, बेटे कल मेरा जन्मदिन है, गिफ्ट ज़रूर लाना। जो बच्चे गिफ्ट लाते हैं उसे अच्छे नंबर दे देते हैं, जो बच्चे गिफ्ट नहीं लाते उसे या तो फेल कर देते हैं या थर्ड डिवीज़न पर रख देते हैं और कुटाई और तोड़ाई करते रहते हैं। ये इतने भुखर होते हैं मानो इसे वेतन न मिलता हो, कभी इन्होंने अन्न देखा ही नहीं हो। कुत्ते की जैसे चाटते रहते हैं ये हर अवसर पर, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे दशहरा हो, ये गिफ्ट लेते रहते हैं। शिक्षक दिवस में ये बड़े चौड़े दिखते हैं, गिफ्ट लेने पर अपना हक दिखाते हैं। बच्चों का जन्मदिन ये बड़े याद रखते हैं और पार्टी मांगते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि पार्टी से जो स्वीट, समोसे, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स बच जाते हैं, ये साले इतने लालची बेशरम टीचर हैं, अपने घर बीवी बच्चों के लिए ले जाते हैं और अपने बीवी बच्चे के सामने बड़े चौड़े हो जाते हैं कि देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाया है। अब हम चर्चा करते हैं अयोग्य निकम्मा टीचर, जो जिसे कुछ आता जाता है नहीं, पता नहीं कैसे टीचर बन गए। और इसके साथ ये कामचोर भी हैं, ये पढ़ाना नहीं चाहते हैं और इनकी कोई अच्छी जानकारी ही होती है। वे घर से पढ़कर भी नहीं आते, वे पढ़ाते भी नहीं हैं। बच्चों को कहते हैं कि खुद करो, अपना गुस्सा दिखाते हैं और वही समस्या, वही जो प्रॉब्लम होमवर्क के लिए दे देते हैं और अपना समय बात बना बना कर पास कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे ने साहस दिखाकर प्रिंसिपल से शिकायत कर दी तो उसकी बुरी तरह से कुटाई होती है, बच्चे फिर शिकायत करते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, इस तरह से निकम्मे टीचर हैं ये गांडूस टीचर। सारे निकम्मे हैं, कुछ पढ़ाते नहीं हैं, मुफ्त का तनख्वाह लेते हैं और बच्चों को गुमराह करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं और ज़िंदगी भर दुखी रहते हैं। अब हम ऐसे भी टीचर की चर्चा करते हैं जो केवल कक्षा में सोने के लिए ही आते हैं। वे सोते रहते हैं, उंघाते रहते हैं, अलसाए रहते हैं कि मानो रात में कहीं चौकीदारी करते हुए या शमशान घाट में पहरा देकर आए हों। फिर बच्चों को अपने कोचिंग में बुलाने पर जोर देते हैं। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं पिटाई करने वाले टीचर की। खूब हार्डवर्क, खूब होमवर्क देते हैं, समय पर नहीं करने पर जानवरों की तरह पीटते हैं। बहुत बच्चे ऐसे टीचर के शिकार हैं जो अपना दिमाग खो बैठते हैं, क्योंकि उसे सिर पर मारा जाता है, आंखें फोड़ दी जाती है, अकारण अपनी मर्दानगी बच्चों पर दिखाते हैं।
तो इस तरह के निकम्मे जो टीचर हैं सारे किसी काम के नहीं हैं, बस बच्चों पर अपना ध्वंस दिखाते हैं, काम करो ये करो, सारे घर में हिजरे की तरह रहते हैं, अपने बीवी से ये से टीचर डरते रहते हैं और यहाँ बच्चों के सामने बड़े चौड़े होते हैं। तो आज मैंने ऐसे टीचर का चिट्ठा खोल दिया है जो हकीकत है, ऐसे टीचर पढ़ाते नहीं हैं, मुफ्त में तनख्वाह लेते हैं और बच्चों को क्या अपना नौकर भी से भी बदतर समझते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर तुम लोग नए हो तो क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर ट्यूबलाइट फोड़ो या फिर गुब्बारे, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।